हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन मेमोरी मैपिंग इन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? मैंने बताया था मेमोरी हायरार्की में कि कैश मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा फास्टर होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली आपका क्या होता है, वही हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, आप जो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं वही सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी तो रैम एंड रोम है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में समझाया। तो अभी ये जो कैश है वो मेन मेमोरी से भी ज़्यादा फास्टर है, लेकिन इसका मेमोरी साइज थोड़ा छोटा है, और क्योंकि ये फास्टर है इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो इट प्रेजेंट्स इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी रहता है। ये फास्टर है, साइज में छोटा है। इट रिड्यूसेस द एवरेज एक्सेस टाइम बाय मेंटेनिंग द लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस, दैट्स व्हाई इट इज फास्टर। तो ये क्या करता है कि एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है बाय मेंटेनिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मेंटेन करता है कैश मेमोरी टू रिड्यूस द एक्सेस टाइम, ठीक है, और इट इज़ बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है? प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, उसके बीच में कैश मेमोरी रहता है। प्रोसेसर और कैश मेमोरी के बीच में जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है वो वर्ड के हिसाब से होता है, वर्ड बाय वर्ड, और कैश और मेन मेमोरी के बीच में ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसके कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई एड्रेस जनरेट हुआ इन द प्रोसेसर, तो उसके बाद कैश क्या करता है, कैश सर्च करता है वही डेटा को जिसका एड्रेस जनरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर डेटा प्रेजेंट है देन कैश वो डेटा को सेंड कर देगा प्रोसेसर को। तो पहले प्रोसेसर डेटा का एड्रेस जनरेट किया, तो एड्रेस को रेफर करके कैश डेटा को सर्च करेगा। अगर डेटा मिल गया तो डेटा भेज देगा प्रोसेसर को। अगर डेटा नहीं मिला तो कैश जाएगा मेन मेमोरी में, वहाँ पे वही एड्रेस को सर्च किए करेगा फॉर द डेटा। अगर डेटा मिला तो वो कैश को सेंड करेगा, पहले मेन मेमोरी से कैश को सेंड करेगा, उसके बाद कैश से प्रोसेसर को सेंड करेगा। तो क्या हो रहा है कि पहले प्रोसेसर में एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कैश सर्चेस, कैश सर्च फॉर डेटा, डेटा को सर्च करता है विद इन कैश, फिर डेटा यहाँ पे सेंड होगा। इफ फाउंड डेटा सेंट, ठीक है, इफ नॉट फाउंड, यहाँ पे मेमोरी है, इफ नॉट फाउंड सर्च इन मेमोरी, फिर अगर मेमोरी में फाउंड हो गया, फाउंड then sent to cache, then again sent to processor। ये इसका प्रोसेस है, पहले जनरेट होगा एड्रेस, फिर कैश में खुद डेटा को ढूंढेगा कैश मेमोरी, मिला तो भेजेगा, नहीं मिला तो मेमोरी में जाएगा ढूंढेगा, मेमोरी में मिला तो पहले कैश को भेजेगा फिर प्रोसेसर को भेजेगा, ठीक है। तो कैश में दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो है कैश हिट एंड कैश मिस। तो कैश हिट क्या है? व्हेन द प्रोसेसर इज सर्चिंग द एड्रेस इन द कैश मेमोरी, व्हेन द प्रोसेसर इज सर्चिंग द एड्रेस इन द कैश मेमोरी एंड द एड्रेस इज फाउंड इन द कैश मेमोरी, देन इट इज कॉल्ड कैश हिट। व्हेन एड्रेस और डेटा इज फाउंड इन कैश मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज कैश हिट। अगर आप कोई डेटा और एड्रेस को ढूंढ रहे हैं कैश में, तो वो अगर मिल जाता है तो उसको बोला जाता है कैश हिट। अगर एड्रेस और डेटा जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला, इज नॉट फाउंड, देन वो हो जाता है कैश मिस, ठीक है। तो कैश का परफॉर्मेंस के लिए एक फॉर्मूला है, कैश परफॉर्मेंस के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ।
कैश परफॉर्मेंस। तो कैश परफॉर्मेंस के लिए आपका जो फॉर्मूला है, एक है हिट रेट। हिट रेट जो होता है वो है नंबर ऑफ हिट्स, मैंने बताया था कैश हिट क्या है, अगर आप डेटा ढूंढ रहे हैं मिल गया है तो वो हिट है, नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी रेफरेंस, वो है हिट रेट। एंड मिस रेट जो है वो है, या तो फिर आप लिख सकते हैं वन माइनस हिट रेट, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, तो ये आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं कैश में। उसके बाद आप कैश और मेमोरी का एवरेज एक्सेस टाइम निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ कैश, ये निकलता है टी एवरेज से। इसका फॉर्मूला है एच इंटू सी प्लस वन माइनस एच इंटू सी। तो ये है विथ कैश और ये है विदाउट कैश और ये है हिट। तो इसी तरह आप फॉर्मूला डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं।